हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 19B आज हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो प्रीवियस चैप्टर को आप वहां से जाकर सॉल्यूशंस पूरे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19B के कुछ फॉर्मूलेज जो हम यूज करने वाले हैं। आज हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल एज अ नेम, क्वाड मीन्स फोर साइड। कोई भी प्लेन फिगर जिसकी फोर साइड्स हों उनको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है, विथ रैंडम यानी साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, इस साइड की लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है और इसकी लेंथ डी है। तो पेरीमीटर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल जिसकी लेंथ रेंडमली कुछ भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती हैं साइड्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, और जो इसके अंदर में जो भी सरफेस एनक्लोज्ड है दैट इज कॉल्ड एरिया। तो बाउंड्रीज की लेंथ का सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अब यहां पर हम पहला फॉर्मूला देख लेते हैं फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि एक डायगोनल हमें गिवन हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर हमको डायगोनल से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, दो ट्रायंगल्स। तो मतलब अगर हम इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ठीक है ना। अब ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें एक एल्टीट्यूड चाहिए 90 डिग्री, और इसका भी हम यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हम L और इसको हम M मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल A B C D विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इसका एरिया हम कैसे लिखेंगे, हाफ बेस तो यही रहेगा बी डी इंटू एल्टीट्यूड ए एल, ठीक है, प्लस हाफ बेस दोनों में सेम है बी डी इंटू सी एम, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हाफ बी डी तो दोनों से कॉमन निकल आएगा, ए एल प्लस सी एम अंदर बचेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम इसका एरिया देखें, सो 1/2 इंटू दी डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू वर्टिसेस, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। दो वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उनका सम मल्टीप्लाइड बाय दी डायगोनल जिसके ऊपर हमने ड्रॉप किया है। दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई भी रैंडम आपको फिगर दे दिया जाए जिसमें कि आपको ये एक डायगोनल है और जो दूसरा डायगोनल है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं ए बी सी डी है, और ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस केस में हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स का हम प्रोडक्ट कर देते हैं अगर दोनों ही डायगोनल कैसे हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक। तो ये तो हो गए कोई भी रैंडम आपके पास क्वाड्रिलेटरल गिवन हो। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल जैसे कि
हम देख लेते हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, इस तरीके का होता है। दो अपोजिट साइड की लेंथ अलग अलग होती है, ये दोनों सेम रहेंगी, ये दोनों सेम रहेंगी, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। जो लंबी वाली साइड होती है उसको हम लेंथ कहते हैं, जो छोटी वाली साइड होती है उसको हम विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर हम पेरीमीटर फाइंड करें, पेरीमीटर क्या होगा? टू एल प्लस बी, एल प्लस एल एंड बी प्लस बी विल गिव टू एल प्लस बी। ठीक है, और अगर हम इसमें एक डायगनल ड्रॉ कर दें डी, तो जो डायगनल डी होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं एडजेसेंट साइड, इसलिए। ठीक, दूसरा फिगर हम ले लेते हैं स्क्वायर के लिए। ठीक, स्क्वायर जैसे कि आपको पता है कि इसमें सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बी सी डी है और इसकी साइड्स हैं ए, ये भी ए, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब सारी साइड्स ही इक्वल हैं। ठीक, तो उस केस में एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 4a। ठीक, अगर हम इसके अंदर डायगनल बी डी ड्रॉ कर दें जिसकी लेंथ डी अगर आपको निकालनी हो, तो डायगनल विल बी अंडर रूट ऑफ, ये 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब इसको हम ए रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, और रूट से ए स्क्वायर से एक ए बाहर आ जाएगा, रूट टू अंदर बचेगा। ठीक, थर्ड टाइप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप पहले भी देख चुके हो कि जिसमें कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेलल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं इस तरीके से। ठीक, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे दैट इज हाइट h। ठीक, इसको हम मार्क कर देते हैं a b c d एंड दिस बी n। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, सो इन दिस केस एरिया विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये इसका बेस कहलाएगा, हाइट ये कहलाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम कैसे निकालेंगे? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे निकालेंगे? बेस इनटू हाइट, बेस क्या है इसका? ए बी, और हाइट क्या है इसकी? डी एन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रॉम्बस। रॉम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, मान लेते हैं ये ए बी सी और डी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, ये जो डायगनल्स हैं रॉम्बस के, ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट द रॉम्बस, ठीक, और साथ ही साथ दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इसके डायगनल बी डी मल्टीप्लाइड बाय द डायगनल ए सी, या फिर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ठीक है,
या फिर हम पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज कर दें, यहाँ पर एन मार्क कर दें, दिस इज 90 डिग्री, बेस इंटू हाइट भी इसको सीधे सीधे हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ लाइन जो होती है दैट इज पैरेलल, ये पेयर कैसा है, पैरेलल है, ठीक. और दो ऑब्लिक साइड्स होती हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगी, ऑब्लिक साइड जो कि पैरेलल नहीं है. इसको हम मार्क कर लेते हैं ए बी सी और डी. तो इसके लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 90 डिग्री, दिस इज से एम, ठीक है. तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय हाइट सी एम. अगर हम इसको लिखें 1/2 ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाय हाइट सी एम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपीजियम, ठीक है. सो यही सारे क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 19B. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हूज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक. इस पे हमारा जो डायगोनल है दैट इज 24 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर यहाँ से, ये परपेंडिकुलर यहाँ से. मान लीजिए ये आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर और ये गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू द डायगोनल इंटू द सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग वर्टिसेस, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1/2, डायगोनल इज 24 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो ये कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, वी विल गेट 12 इंटू 28 विच इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 2, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉरी हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दिस इज डायगोनल, ठीक है. तो हाफ इंटू 18 इंटू 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9s एंड 9 12s इज 108. सो इट इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 3, अ रॉम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will cow be getting? तो यहाँ पर हम एक rhombus बना लेते हैं. As we know, rhombus की सारी sides equal होती हैं. This is 30 meter, this is 30 meter, this is 30 meter and this is again 30 meter. इसका एक डायगोनल है विच इज 48 मीटर, ठीक है. मार्किंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक. तो अगर हम यहाँ देखें तो डायगोनल, दूसरा डायगोनल हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर इसका एरिया और इसका एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो कंप्लीट एरिया हम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो पहले हम निकाल देते हैं for area of triangle ABC,
हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज सारी साइड्स पता है, तो सेमी पेरीमीटर विल बी 30 + 30 + 48 डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 108/2, दैट इज़ 54 meters। तो ये आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। तो एरिया हम निकाल देंगे इसका अंडर रूट ऑफ 54 54 - 30 54 - 30 54 - 48। सो वील गेट हियर अंडर रूट ऑफ 54 × 24 × 24 × 6। इन ऑल ये हमारे पास 432 meter square एरिया आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रॉम्बस एबीसीडी विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस ट्राइंगल बीडीसी एडीसी, ठीक। तो अब दोनों ही ट्रायंगल एक जैसे हैं, एक जैसी साइड है, तो हम इसको ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं, दैट इज 2 × 432 meter square। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 864 meter square, दैट इज द एरिया ऑफ रॉम्बस ए बी सी डी। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ काउस कितनी है, 18, ठीक है। सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ईच काउ विल बी 864। टोटल एरिया को हम 18 काउस में डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 48 meter square, that will be the area for single cow to be grazed. Question number 4, calculate the area of quadrilateral ABCD in which angle A is 90 degree, AB is 32 centimeter, AD is 24 centimeter, BC and CD are equal, which is 25 centimeter. तो मान लीजिए ये angle A है 90 degree, यहाँ से ये कुछ इस तरीके का मैंने एक रफ आइडिया ले लिया है, ए बी सी डी, ठीक है, एंगल ए 90 degree मार्क कर दिया है। ए बी इज़ 32 centimeter, ए डी इज़ 24 centimeter, बी सी एंड सी डी आर 25 centimeter एंड दिस इज़ ऑल्सो 25 centimeter, ठीक। तो अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा अगर हम बी डी डिटरमाइन कर देते हैं तो, ठीक है। तो फिर इस तरह हम एस हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और इसमें भी हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे तो ये निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए कितना है 90 degree, so we can say that Pythagoras theorem BD square is equal to AD square plus AB square, ठीक है। so BD square is equal to AD, that is 24 का square, AB is 32 का square, this will give 24 का square 576, 32 का square 1024, so BD is equal to अंडर रूट ऑफ 1600, विच इज़ इक्वल टू 40 centimeter। तो ये आ गया हमारे पास 40 centimeter। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी डी, विच इज़ हाफ बेस इंटू हाइट 24 × 32, ये 12 times कैंसिल हो जाएगा। This is equal to 384 centimeter square। अब इन ट्रायंगल बी सी डी हम पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, 40 + 25 + 25
डिवाइडेड बाई टू, 50 प्लस 40 इज 90 बाई टू, दैट इज 45 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी विल बी अंडर रूट ऑफ 45 इंटू 45 माइनस 40, 45 माइनस 25 एंड 45 माइनस 25. दिस विल गिव अंडर रूट ऑफ 45 इंटू 5 इंटू, ये आ जाएगा यहाँ पर 20 और ये 20. 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. तो रूट में आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 20, रूट से बाहर आ जाएगा इतना. सो इट इज़ गोइंग टू बी 15 इंटू 20 इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी विच इज 384 प्लस 300, दैट इज 684 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. क्वेश्चन नंबर 5. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/5 किलोमीटर्स इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 1.5 टाइम्स इट्स विड्थ. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 एल प्लस बी. इसकी वैल्यू गिवन है 2/5 किलोमीटर्स. इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 5 टूज आर, सो इट इज़ गोइंग टू बी 400 मीटर्स, ठीक है. तो अब हमें यहाँ पर एल प्लस बी इज इक्वल टू 400 बाय 2 हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 200, सो एल प्लस बी इज 200. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द फील्ड जो है दैट इज 1.5 टाइम्स द विड्थ है. तो ये हो गया 3/2 टाइम्स द विड्थ, ठीक है. एल की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. ये हमारी इक्वेशन 1 है. सो 3/2 बी प्लस बी इज इक्वल टू 200. तो ये एलसीएम आ गया 2. 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 200. सो 5b बाय 2 इज इक्वल टू 200. बी इज इक्वल टू 400 बाय 5, दिस इज 80. सो 80 मीटर इज द विड्थ. अब हम लेंथ निकाल देंगे. यहाँ पर हम L इज इक्वल टू 3/2, बी की वैल्यू है 80, ये कैंसिल आउट हो गया. 40 टाइम्स दैट इज 120 मीटर्स. तो लेंथ आ गई और विड्थ आ गई. अब हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज 120 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 80. सो 12 8 is 9600 मीटर स्क्वायर. सो इट इज 9600 मीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी टायर्स ईच ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू पेव अ फुटपाथ विच इज 2 मीटर ब्रॉड एंड सराउंड्स अ ग्रास प्लॉट 25 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड. तो मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है, ठीक, और इस पर हमको फुटपाथ बनानी है, ठीक है. 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक. दिस इज 25 मीटर एंड दिस इज 13 मीटर, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इसका अलग हम निकालेंगे एरिया, इस पोर्शन का एरिया अलग निकालेंगे, इस पोर्शन का एरिया अलग निकालेंगे और इस पोर्शन का एरिया अलग निकालेंगे, ठीक है. इसको मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी
ई एफ जी एच आई जी के एल, ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ठीक है. लेंथ कितनी है 13 और विड्थ कितनी है 2 मीटर इसकी, ठीक है. सो इट विल बी 26 मीटर स्क्वायर, ठीक. सेम यहाँ पर ये जो है ये इसमें से ये 2 माइनस हो गया, ये 2 माइनस हो गया, मतलब 25 में से हमने 4 माइनस कर दिया तो कितना बचा 21. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ई आई जे विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एच सी के विच इज लेंथ इज 21 इंटू 2 दैट इज 42 मीटर स्क्वायर, ठीक. सो एरिया ऑफ फुटपाथ, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ये चारों एरिया का हम ऐड कर देंगे, दैट इज 26 प्लस 26 प्लस 42 प्लस 42, 6 प्लस 6 12, 13 14, 15 16, 1 कैरी, 2 4 प्लस 4 8, 9 10, 11 12, 136 मीटर स्क्वायर, ठीक है. लेकिन जो साइज ऑफ टाइल जो गिवन है दैट इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो इसको हम दो बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 136 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ फुटपाथ हमने निकाल दिया. अब हमको चाहिए कितने इसके अंदर टाइल्स फिक्स होंगी. सो नंबर ऑफ टाइल्स पेव्ड विल बी एरिया ऑफ फुटपाथ 136 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज 400. दो जीरो कैंसिल, दिस इज गोइंग टू बी 4200 दैट इज 4200 टाइल्स विल बी पेव्ड. क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया. If the side of triangle are 15 cm, 14 cm and 13 cm and the parallelogram stand on the same base 15 cm, find the height of parallelogram. मान लीजिए हमारा triangle है, base इसका 15 cm, this is 14 cm and this is 13 cm और इसी पे ही एक parallelogram बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है. और इसकी हाइट यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, ठीक. मान लेते हैं ये ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक. तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो इसके लिए हमें सारी साइड्स पता हैं, तो सेमी पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे. सेमी पेरीमीटर विल बी 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ गोइंग टू बी 42 बाय 2, 21 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है. एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
बी सी डी ई है, ठीक है। तो ये हमको पता है 84 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस है हमारे पास बी सी, हाइट है हमारे पास डी एफ। बी सी की वैल्यू कितनी है 15, डी एफ हमको फाइंड करना है। सो डी एफ विल बी 84 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 5.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 15 centimeter and 23 centimeter, whereas the non-parallel sides are 10 centimeter and 8 centimeter. तो मान लीजिए ये हमारा ट्रेपीजियम है कुछ इस तरीके का, ठीक, 15 centimeter and 23 centimeter, ठीक। ये साइड हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें पता नहीं है, मार्किंग दिस एज ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके की एक लाइन हम यहाँ खींच सकते हैं। इतनी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये पैरेलल है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 23 माइनस 15, ठीक, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मान लेते हैं ई और ये हम मान लेते हैं एम, ठीक। सो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फाइंड कर देते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए डी ई सेमी पेरीमीटर एस विल बी, इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, हमने पैरेललोग्राम जैसा ले लिया है इसको। सो इट विल बी 10 + 8 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 26/2, दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई विल बी अंडर रूट ऑफ 13, 13 - 10, 13 - 8 एंड 13 - 8, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 13 × 3 × 5 × 5, सो इट इज गोइंग टू बी 5√39 cm², विच इज अप्रॉक्सीमेटली 31.2 cm², ठीक। अब इस ट्रायंगल के एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को हम हाफ बेस, दैट इज डी ई इंटू हाइट एम ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज 31.2 cm². तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 × 8 इंटू एम ए इज इक्वल टू 31.2 cm². ये 4 times कैंसिल हो गया। सो एम ए जो कि परपेंडिकुलर लेंथ है, दैट विल बी 31.2 / 4 cm², ठीक। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, इसको एज इट इज ले लेंगे। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, दैट इज हाफ इंटू दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम ए एंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ए बी प्लस CD, so half into 31.2 / 4, 15 + 23, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2 5s are 0.6, ठीक। ये इससे भी कट जाएगा, 4 3s are 12, 4 9s are 36, 3.9 मल्टीप्लाइड बाय इसको ऐड कर देंगे, दिस विल गिव
38. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 148.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी. सो हेंस दिस इज द आंसर एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.